मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं बागली विधानसभा में भी कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि बागली विधानसभा भाजपा का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में नजर आने का दावा कर रही है। वहीं यहां पर जीत का परचम फहराने का भी दावा किया जा रहा है। रविवार के दिन बागली विधानसभा के चापड़ा में मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल भोसले ने कहा कि इस बार बागली में कांग्रेस की जीत का परचम फहराया जाएगा। कांग्रेस एक जड़ता के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। भाजपा के इस गढ़ को इस बार ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी एवं शिक्षा व्यवस्था के अभाव, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंचेंगे। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भोसले का स्वागत भी किया गया। गोपाल भोसले ने लगभग 20 वर्षों तक पुलिस विभाग में अपनी सेवा दी है, जिसके बाद नौकरी से इस्तीफा देकर अब राजनीति में उतरे हैं और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खेमे का माना जाता है और उन्हीं के चलते बागली से विधायक का टिकट मिला है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।